दिल्ली की क्राइम ब्रांच टीम ने अफीम के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, ये जो सौदागर थे ये मध्य प्रदेश से अफीम की बोरियों को भर के दिल्ली के आजादपुर मंडी में सप्लाई किया करते थे। दरअसल आपको बता दें, ये सप्लाई काफ़ी समय से मध्य प्रदेश से अफीम को बोरों में भर के ट्रक और गाड़ियों में लोड कर दिल्ली से आजादपुर मंडी में सप्लाई किया करते थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि ये जो सप्लायर है एक बार फिर से 30 जनवरी की रात को आजादपुर मंडी में सप्लाई करने के लिए जो अफीम है वो लेके आने वाले हैं। इसी को चलते दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी में ट्रैप लगाया और गाड़ी समेत अफीम को और आरोपियों को धर दबोचा। इनके पास से 360 किलो के आसपास अफीम को बरामद किया गया और जो आरोपी थे, जो सप्लायर थे, हर बोरी में 20-20 किलो अफीम को भर के दिल्ली में सप्लाई करते थे। और साथ ही आपको बता दें, जो मार्केट वैल्यू बताई जा रही है 360 किलो अफीम की, वो लगभग लाखों रुपये जो है मार्केट वैल्यू बताई जा रही है। पूछताछ में ये भी पता चला है ये जो मेन सप्लायर था वो मध्य प्रदेश का रहने वाला, और जो अन्य जो इन सप्लाई को सप्लाई करता था वो जो आरोपी थे वे दिल्ली के वजीराबाद इलाके का रहने वाला। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने 360 किलो अफीम और आरोपियों समेत वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। दिल्ली से समाचार वार्ता के लिए साहिल भांबरे की रिपोर्ट।